प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालुंगा ने आज रासायनिक खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञात रहे वर्तमान में खेती किसानी के दौर में कृषि हेतु उपयोगी रासायनिक खाद का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार को नहीं होने से पूरे राज्य के किसान रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार प्रदेश में रासायनिक खाद एवं बीज की कमी और पर्याप्त आवंटन की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लैलुंगा द्वारा ब्लॉक मुख्यालय लैलुंगा के बस स्टैंड चौक में सुबह 11 बजे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं उन्नयन विकास प्राधिकरण चक्रधर सिंह सिदार ने केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। ऐसे में उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के आवंटन को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया, जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में विगत 9 माह से किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सिदार ने आगे कहा कि स्थानीय भाजपा के नेता खाद की किल्लत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराकर ओछी राजनीति कर रही हैं। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं पूर्व युकांग अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में लैलुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार के साथ जिला कांग्रेस रायगढ़ के उपाध्यक्ष शांति पैकरा, जिला पंचायत कांग्रेस सचिव मदन मित्तल, जनपद उपाध्यक्ष लखन सारथी, प्रमोद प्रधान लैलुंगा नगर पंचायत के प्रथम अध्यक्ष सुरेश डगला, अजा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारे, ब्लॉक महामंत्री लक्ष्मण पटेल, मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में एक दिवसीय रासायनिक खाद कमी के कारण यहां धरना प्रदर्शन हुआ है और मैं आपके माध्यम से माननीय केंद्र सरकार को निवेदन करूंगा कि यहां किसान जो परेशान है खाद से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, चाहे धान खरीदी से संबंधित हो, तो हमारा हमको पूरा करें, ऐसा मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ। और यहाँ किसान बहुत परेशान है खाद नहीं मिलने के कारण, तो मैं निवेदन करूंगा कि भाई यहाँ खाद जितना जल्दी हो केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। प्रमोद प्रधान लैलुंगा रायगढ़।